अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मुझे भिंडी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप इसे फॉलो करेंगे तो आपकी भी ये फेवरेट बनने वाली है। तो सेम रेसिपी फॉलो करें, सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास 400 ग्राम भिंडी है जिसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और इसे सूखे कपड़े से पोंछ लिया है, ठीक है, साफ़ कर लिया है। तो आप इसको बिल्कुल भी ड्राई कर लें, ठीक है, इसमें हल्का सा भी गीलापन ना रहे। और यहाँ पर मैंने 2 लार्ज अनियन लिए हैं और मैं देखिए भिंडी को इस शेप में इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो आपके ऊपर है, आप चाहे तो बड़े कर लें, आप चाहे तो छोटे कर लें। मैं इस तरीके से इस शेप में कर रही हूँ, ना बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। तो ठीक है, इस तरीके से मैं भिंडियों को अपने कट कर लूँगी। देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इस साइज़ में मैं अपनी भिंडियों को कट कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैंने भिंडी को अच्छी तरीके से कट कर लिया है। ये इस तरीके से सारी भिंडी हमारी कट हो गई है और बिल्कुल हमें क्या करना है कि अनियन को भी चॉप कर लेना है। तो आप चाहें तो हाथ से कर लें उसे चॉप, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने चॉपर में डाल के इस तरीके से कर लिया है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई ऑन कर ली है, मतलब कि फ्लेम ऑन है मेरा, और मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1/4 कप के करीब ऑयल। तो यहाँ पर आप सरसों के तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है भिंडी का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है जो कि 1/4 कप है, ठीक है। और इसको हल्का सा मैंने गर्म कर लिया है, इसमें हम ऐड कर लेंगे हमारी भिंडी। तो हम भिंडी को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने का मकसद बस इतना होता है कि इसमें जो स्टार्च रिलीज़ होते हैं उसे हमें ख़त्म करना है, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है उसे। तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई कर लिया है और इसे इस तरीके से लगातार चलाते हुए मैं भूनूंगी। तो आप देखेंगे जैसे जैसे भिंडी हमारी कुक होगी वैसे वैसे इसमें से स्टार्च रिलीज़ होगा, ठीक है, तो उसे हमें ख़त्म करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसे फ्राई करूँगी ऑयल में, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसमें से हल्का हल्का सा स्टार्च रिलीज़ होने लगा है, ये देखें। इसे हमें बिल्कुल भी ख़त्म करना है वरना जो हमारी भिंडी है बहुत ही चिपचिपी सी बनकर तैयार होती है। तो अराउंड 5 से 7 मिनट मुझे लगने वाले हैं इसे ख़त्म करने में, ठीक है। तो 5 से 7 मिनट मैं इसे कुक कर लेती हूँ। यहाँ देखिए, सब 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरीके से कुक किया है और यहाँ पर भिंडी हमारी 50% कुक हो चुकी है, ठीक है। ये देखें, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है, यहाँ पर देखें। तो इस तरीके की हमें भिंडी चाहिए, ये सॉफ्ट हो गई है 50%। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारे जो अनियन है उसे। तो अनियन इस पॉइंट पर ऐड करने से क्या होगा ना कि इसका जो क्रंचीनेस है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अनियन ऐड कर लूँगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से हमारी भिंडी में। तो हमें इसे बस सॉफ्ट करना है, ठीक है, इसका क्रंचीनेस मेंटेन रखना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। तो मैंने ये अनियन ऐड किया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं। तो गैस का फ्लेम अभी भी मीडियम हाई ही है, ठीक है, मीडियम हाई फ्लेम पे मैं अनियन को मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं क्या करूँगी कि इसमें हमारे स्पाइसेस ऐड करूँगी क्योंकि मुझे अनियन को सॉफ्ट करना है, ठीक है। आप अगर मतलब इसे थोड़ा सा कच्चा रखना चाहते हैं तो स्पाइसेस जो हैं बिल्कुल एंड में आप इस्तेमाल करें, ठीक है, बिल्कुल एंड में, जब आपकी प्याज़ें जो हैं हल्की सी सॉफ्ट हो जाएँ वो टाइम पर आप इसे इस्तेमाल करें। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसे सॉफ्ट करना है अनियन को और भिंडी को। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर अपने जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो स्पाइसेस लिए हैं वो है कि यहाँ पर है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर जो कि रेगुलर है, 1 टीस्पून चाट का मसाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा नमक है। तो ये जो स्पाइसेस हैं वो प्याज़ों को जो है सॉफ्ट करने में हमारी हेल्प कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल भी ये लाल नहीं होंगे बट हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये खाने में है बहुत ही मज़े के लगते हैं, इस तरीके से हल्के हल्के से कच्चे रहते हैं, तो ठीक है। तो अच्छी तरीके से मैं इन सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लूँगी भिंडी में। तो देखिए कितनी मज़े की लग रही है ना, अभी से ही मुँह में पानी आ रहा है, बहुत ही मज़े की भिंडी बनकर ये तैयार होती है, ठीक है। तो इसे मैं लिड कवर करके इसे कुक करूँगी अराउंड 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए इसे कुक कर लेते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। गैस का फ्लेम मैंने लो कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पर मेरी जो प्याज़ें हैं वो हल्की हल्की सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे कुक किया है तो ये जली भी नहीं है और प्याज़ें हमारी बहुत ज़्यादा मतलब कुक भी नहीं हुई हैं, थोड़ा सा हाई फ्लेम रहता तो ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है, तो ठीक है, इसका क्रंचीनेस बिल्कुल बरकरार है, ठीक है। तो भिंडी हमारी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 लेमन जूस का। आप चाहें तो
आमचूर पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं तब जब हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर मैं लेमन जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि हाफ़ है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसे भी मिक्स कर लेंगे तो ये तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की भिंडी, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और इसी तरीके से फ्राई करें बनाएं इसे, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।